हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डार्क एंड स्पोर्ट्स के एक और वीडियो में। कौन सा एयर गन ज्यादा पावरफुल होता है? क्या बीबी CO2 गन ज्यादा पावरफुल होता है या पैलेट CO2 गन ज्यादा पावरफुल होता है? चलिए दोस्तों, आज कंपेयर करके देखते हैं कि बीबी गन ज्यादा पावरफुल है या पैलेट गन। मेरे पास दो CO2 गन है। पहला है टैंक फोलियो बिटनेस 1911। ये एक CO2 पावर्ड 18 राउंड्स बीबीस पिस्टल है जो कि है फुल मेटल बॉडी। और दूसरा CO2 गन है मेरे पास डैन बेसन का रिवॉल्वर जो कि है 6 राउंड पैलेट रिवॉल्वर पावर्ड बाय CO2। दोनों को हम बारी बारी से चला के देखेंगे और देखेंगे कि किसमें ज्यादा पावर है। लेकिन इससे पहले दोस्तों, चलिए पहले इन दोनों गनों में इनके MOs हम फिल करते हैं। तो हम पहले फिल करेंगे टैंक फोलियो पे जो कि है एक बीबी पिस्टल। तो हमें पहले बीबी डालना होगा। बीबी डालने के लिए हमने इसको टिगर को पीछे कर दिया है और हम ये अब बीबी की बोतल खोलेंगे। क्योंकि ये 6 राउंड हम रिवॉल्वर चलाने वाले हैं तो हम 6 राउंड ही इसमें बीबी डालेंगे। ये मैंने डाला 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये हमने डाल दिया 6 बीबीस, इसको फिल कर दिया। अब हम डाल देते हैं मैगजीन को पिस्टल के अंदर। अब इसको रख देते हैं। अब हम फिल करते हैं अपने डैन वेसन को। डैन वेसन को फिल करने के लिए ये इस तरह के ब्लैंक कैटरीज आते हैं रिवॉल्वर में, तो इसको हम खुद निकाल देंगे। और ये देखिए, हमारे पास इस तरह के हाई क्वालिटी पैलेट्स भी मिल जाते हैं। ये पैलेट को निकालने के बाद एक एक इसमें हम पैलेट डाल देते हैं ब्लैंक कैटरीज में। ये मैंने डाल दिए हैं 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। अब इन पैलेट्स को डालने के बाद एक एक करके हम इसको सिलेंडर में ब्लैंक कैटरेज को, जो कि अब पैलेट से फिल हो गया है, डाल देते हैं और इसको कर देते हैं लोड। तो दोस्तों, दोनों ही हमारे CO2 गन हो चुके हैं फायर रेडी। कौन सा पहले चलाऊं? चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं इस बीबीस पिस्टल से। तो मैं कैमरामैन भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमने ये एक टेम्पररी टारगेट बना रखा है। एक तरफ लिखा हुआ है 1911 बीबीस का, एक तरफ बना हुआ है डैन बेसन का। तो जिसका गन का जोन सा है उस गन में हम उसको फायर करेंगे और हम देखेंगे कि इसका पेनेट्रेशन कैसे हुआ है। चलिए पहले हम करते हैं टैंक फोलियो को फायर। फायर रेडी है, 6 राउंड फायर करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये हो गया है खाली। अब हम चेक कर लेते हैं एक बार इसकी पेनेट्रेशन कैसी रही है। ये हमारा फर्स्ट है। अगर मैं इस बॉक्स को हटाऊं, ये दोस्तों याद रखना ये बीबीस का है, तो मैं इसको हटा देता हूं। पीछे देखते हैं बॉक्स में कितना पेनेट्रेशन। वाओ, इसमें भी हुआ है पेनेट्रेशन, यानी कि फर्स्ट कार्डबोर्ड हमारा ये निकल गया है टारगेट। सेकेंड हमारा कार्डबोर्ड, थर्ड में भी गया है दोस्तों। ये बीबीस की बात कर रहा हूं मैं, क्या ये फोर्थ में गया है? नो, इनफैक्ट 1, 2, 3 कार्डबोर्ड में आकर यहाँ पे थोड़ा सा आप देख सकते हैं ये निकलने वाला था बट निकला नहीं है। चलिए, यानी कि हम ओवरऑल ये कह सकते हैं कि इसने 3 कार्डबोर्ड को पेनेट्रेट किया है। तो देखा दोस्तों,
ये था हमारा ये जो बीवी पिस्टल है टैंक फोलियो 1911 इसका शॉट। तो इसने फर्स्ट टारगेट को तो क्रॉस किया ही, साथ में दो कार्टन बॉक्स को भी पेनेट्रेट किया। चलिए दोस्तों, अब ये आ गया है हमारे पास डैन बेसन 6 राउंड पैलेट गन। क्या ये बीबी पिस्टल को फेल कर पाएगा? क्या उसकी पावर इसकी पावर बीबी गन से ज्यादा होगी या कम होगी? चलिए देखते हैं फायर करके। अभी मेरे पास आप देख सकते हैं टारगेट में मैंने डैन बेसन लिखा हुआ है राइट साइड में। चलिए डैन बेसन में फायर करके देखते हैं एक बार। ओ ओ भाई साहब, थर्ड राउंड 4, 5, 6। ओके, अब ये खाली हो गया है। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं ये खाली हुआ है कि नहीं। खाली हो चुका है। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। ये रहा हमारा डैन बेसन का टारगेट। तो पहले देख लेते हैं, पहला टारगेट पेपर हो गया है पेनेट्रेट, आप देख सकते हैं। तो फर्स्ट टारगेट क्रॉस करने के बाद फर्स्ट कार्डबोर्ड भी इसने पेनेट्रेट कर दिया है, सेकंड कार्डबोर्ड भी इसने पेनेट्रेट कर दिया है। क्या इसने थर्ड किया होगा? थर्ड भी किया है, आप देख सकते हो। बीबीस का आपको यहां कोई निशान नहीं दिखेगा, बट पैलेट का इसने पेनेट्रेट किया है। चलिए थर्ड को किया, फोर्थ को तो कर ही दिया, आप देख सकते। क्या फोर को क्रॉस करके ये फिफ्थ में गया है? चलिए देखते हैं। टेन टेन, यस, ये फिफ्थ कार्डबोर्ड में भी गया। क्या इसको भी पेनेट्रेट किया है? देख लेते हैं। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, फिफ्थ कार्डबोर्ड को भी पेनेट्रेट किया है। अगर मैं ये बोलूं कि अगर सिक्स्थ भी होता तो ये पेनेट्रेट करके सिक्स्थ में भी लगने वाला था। तो दोस्तों देखा आपने बीबीस का कमाल और पैलेट गन का कमाल, कौन सा बेटर है? देखिए अगर मैं पावर वाइज बात करूं, पावर की बात करूं, तो आपने देखा कि किस तरीके से पैलेट गन ने पांचों के पांचों कार्डबोर्ड को पेनेट्रेट करके सिक्स्थ होता तो उसमें भी जाता, बट बीबी गन ने तीन कार्डबोर्ड को ही पेनेट्रेट किया। रीजन यही है कि बीबीस जो राउंड होते हैं वो गोल होते हैं तो उसकी पेनेट्रेशन इतनी नहीं होती है। पैलेट क्योंकि आगे से पॉइंटेड होते हैं तो इसका पेनेट्रेट हुआ है। इसका मतलब ये नहीं दोस्तों कि बीबीस गन कम पावरफुल है तो इसको नहीं लेना चाहिए। नहीं दोस्तों, बीबीस गन आते हैं मार्केट में जो टैंक फोलियो से ज्यादा पावरफुल होगा, तो क्या पता उसका पेनेट्रेशन ज्यादा अच्छा हो। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा कि पैलेट गन ज्यादा पावरफुल है कि बीबी गन, और आपका पर्सनल कौन सा ऐसा गन है जो आपको पसंद है। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।